हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जूलॉजिस्ट। एएमयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी को पता ही होगा कि एडमिशन तो डायरेक्ट होने से रहा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसी के बाद एडमिशन होगा, तो एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कितनी सीट्स हैं, एग्ज़ाम कहाँ होगा और भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में गिवन होगी। आपको कैसे प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंड मेन साइट पे आप कैसे जाओगे वो भी बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है या किसी भी सर्च इंजन पे आपको जाके लिखना है एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। आप जैसे सर्च करोगे तो सबसे पहले लिंक आएगी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द एग्जाम्स, तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लिक करा तो आप एएमयू की मेन साइट पे आ जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो तो देख रहे हो आप कि तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन है फीचर्ड का, दूसरा एडमिशन का, तीसरा एग्जामिनेशन का। आपको एडमिशंस में जाके सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है गाइड टू एडमिशंस 2022 एंड 2023। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप फोन पे डाउनलोड करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा डाउनलोड करने का। डाउनलोड कर लेना एंड खुद से भी रीड कर लेना, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, इतना कर लेना। बाकी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, उसके नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे। ये लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज 2022 एंड 2023। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे अप्लाई करना है, कन्फ्यूजन हो रही है बहुत सारी, आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, और भी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। इतना आपको काम करना है। अब मैं आपको प्रॉस्पेक्टस में देख के बता देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के रिगार्डिंग। तो आप ये देख सकते हो, ये एएमयू का जो प्रॉस्पेक्टस है एडमिशन 2022 एंड 2023 के लिए, इसमें आप इंडेक्स में जाके देख लेना। वैसे तो मैंने रीड कर लिया, तो मैं आपको डायरेक्ट सीधा जो हमें दे रखा है उस पर ले जाता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर है 86, पेज नंबर 86 में आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग आ गया है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या दे रखी है इन्फॉर्मेशन। तो देखो, 4 साल का कोर्स है ये बता दिया है, कितने बच्चे ले जाएंगे 20, ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन काफ़ी होने वाला है। डबल स्टार में एक चीज़ बताई गई है कि पहले तो अप्रूवल देखा जाएगा कि अप्रूवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपको क्या है, 3 ईयर का जो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स है वो आपको ऑफर किया जाएगा, यानी कि जीएनएम वगैरह आपको ऑफर किया जाएगा अगर अप्रूवल नहीं मिलता है नर्सिंग के लिए। तो समझ गए, इतना मोस्ट लाइकली ये बॉयज़ के लिए होगा, क्योंकि बॉयज़ के लिए ना नर्सिंग ज़्यादातर कॉलेजेस में नहीं है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो मेरे हिसाब से बॉयज़ के लिए होगा। बाकी इसके रिगार्ड्स में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहीं पे क्लेरिफाई नहीं किया है कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है, यानी कि ओनली फीमेल वगैरह नहीं लिखा है। एम्स वालों में तो उन्होंने साफ मेंशन कर दिया था कि फीमेल कैंडिडेट्स ही बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में वेरीफाई करके आपको बता देंगे। क्वालिफाई एग्जामिनेशन की अगर बात करें, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, तो 10+2 आपने की होनी चाहिए एंड आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए, एंड मिनिमम 45% आपके मार्क्स आने चाहिए एग्रीगेट पीसीबी में, इतना तो होना ही चाहिए, ये तो आपको ही पता होगा। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक, तो 2022 से पहले, मतलब 2023 से पहले पहले 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ये इसकी एज लिमिट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही होगा। क्या क्या आने वाला है तो यहाँ देख लो, टेस्ट पेपर में बताया हुआ है कि 5 सेक्शन होने वाले हैं। पहला सेक्शन होगा एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन इंग्लिश, एंड टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, क्लियर है। टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो जो टेस्ट होगा वो एएमयू में ही होगा, अलीगढ़ में ही होगा, एएमयू के अंदर कैंपस में ही करवाते हैं ये टेस्ट। एंड और इन्फॉर्मेशन में बताया है कि जो बच्चा है मेडिकल फिट होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करें होने चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा, ताकि उसका मेरिट लिस्ट में नाम तो आए। 50% से अगर आपने कम स्कोर कराया तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा ही नहीं, ठीक है। बाकी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए बताया हुआ है कि जो लोको मोटर डिसेबिलिटी है वो 40% to 50% होनी चाहिए, लोअर एक्सटर्निटी में, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं इसमें। खैर, ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं आपको अब बता रहा हूँ पैरामेडिकल कोर्सेज के रिगार्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। भाई कौन कौन से कोर्स हैं, ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी है, देन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी है, तो ये कोर्सेज ऑफर कर रहा है एएमयू। देखो, शुरुआत के जो 4 हैं वो उसके 8 सेमेस्टर हैं, यानी कि कितने हो गए, ये हो गए आपके 4 साल, ठीक है। जो मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज हैं इसमें भी, ये भी 4 साल का है, लेकिन जो लास्ट है फिजियोथेरेपी, ये 9 सेमेस्टर का है, यानी कि 4.5 साल का है ये। स्टार मार्क करके एंड डबल स्टार मार्क करके इन्होंने कोई चीज़ बताई हुई है कि देखो, जो स्टार मार्क वाला, इसमें 2 सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप करनी होगी, यानी कि पैसा नहीं मिलेगा इंटर्नशिप करने का। वहीं डबल स्टार में बोला हुआ है कि 1 सेमेस्टर तो करनी ही पड़ेगी आपको अनपेड इंटर्नशिप लास्ट में,
ठीक है। बाकी यहाँ पे लेटरल एंट्री भी मिलेगी, लेटरल एंट्री तो खैर उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो एएमयू से ही करे हुए हैं। बाकी यहाँ देख लो कि क्या क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की वो है, तो ये देखो कि वही है कि बच्चे ने 12th पास कर ली हो 50% मार्क्स, ठीक है, और या फिर डिप्लोमा वगैरह किया हो सेम कोर्स में। तो एक खास इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि स्टेटस इंटरनल ओनली बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ओनली। ये मुझे नहीं पता कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेटस का क्या मतलब है। आई गेस इंटरनल स्टेटस का मतलब ये होगा जो बच्चे एएमयू से ही पढ़े हुए हैं उनको इंटरनल स्टेटस दे देंगे, जो बच्चे बाहर के उनको एक्सटर्नल स्टेटस दे देंगे। बाकी एज की बात की जाए तो 17 साल होनी चाहिए इस साल के अंत तक, अगर नहीं हुई तो फिर डोंट नो क्या होगा, हो सकता है कुछ एफिडेविट वगैरह भरवा लें। एंड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर है। बाकी टेस्ट पेपर में क्या क्या आने वाला है, तो 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के एंड जूलॉजी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सबके 25-25 क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे एक खास चीज़ देखो, ये तो आपको भी दिख गया है कि जो टेस्ट होगा वो एएमयू में ही होगा, एएमयू के कैंपस में होगा, अलीगढ़ में होगा। यहाँ पे सेक्शन ए पढ़ो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। पहली बात कि जो ये है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज है, ठीक है, उसमें एडमिशन आपका सीएट के थ्रू होगा, ठीक है, सही बात है। लेटरल एंट्री किसको मिलेगी, वो मिलेगी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही मिलेगी, दूसरे बच्चों को नहीं देने वाले ये। एंड यहाँ पे सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स को ये पता होना चाहिए कि पैरामेडिकल कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है किसी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी मांगती हैं कि रिकॉग्निशन होना चाहिए, अगर आप बाद में जाते हो वो कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो शायद वो आपको जो भी फर्दर आप स्टडीज़ में जाते हो तो एडमिशन ना दें। क्लियर है। एंड सेक्शन डी में इन्होंने साफ बोला हुआ है कि कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग भरनी पड़ेगी जिसमें वो लिखेंगे कि जी हाँ हमें पता है कि ये जो कोर्स है ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, नॉन रिकॉग्निशन कोर्स है, उससे जो इम्प्लीकेशन होगा उसके लिए हम वेल अवेयर हैं, ये चीज़ उन्होंने साफ मेंशन कर दी है। क्लियर है इतना। बाकी देख लो यहाँ पे फीस वगैरह नहीं बताई है, एंड जो चीज़ नहीं बताई है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी नीचे डिप्लोमा कोर्सेज दे रखे हैं पैरामेडिकल के, डेंटल हाइजीन एंड डेंटल मैकेनिक्स हैं। डिप्लोमा कोर्सेज तो खैर छोड़ ही दो, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग का मैंने आपको बता दिया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, इतना तो करना बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।